जैसे मैं बचपन में था तो मेरे को, मेरे से कोई लड़की बात नहीं करती थी और मेरे को ये बात बड़ी बुरी लगती, तो मैं सोचता था कि किसको बताऊं, किसको बोलूं। तो एक बार मैंने मम्मी को बता दिया कि यार मम्मी मेरे से कोई लड़की बात नहीं करती, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। तो मैंने ये मम्मी को इसलिए बताया था इस उम्मीद में कि मम्मी थोड़ा सहानुभूति देगी, मम्मी बोलेगी अरे ले ले मेरा बेटा, उल्लू तेरे से लड़की बात नहीं करती, कोई बात नहीं बेटा मैं बात करूंगी, ऐसा करके मैंने ये सोचा। तो मम्मी ने सुन लिया, मम्मी अच्छा कुछ बोली नहीं, मैं समझा नहीं क्या नहीं क्यों नहीं बोली। उसके बाद एक महीने बाद मेरे रिजल्ट्स आए, रिजल्ट खराब आया, वो तो एज यूजुअल था, हमेशा ही खराब आता। मम्मी ने पापा को ये बात बोला, आपको पता है इसका रिजल्ट खराब क्यों आया? और बोला क्यों, पढ़ता नहीं है इसलिए? नहीं, सारा ध्यान तो इसका लड़कियों में लगा रहता है। क्या मेरे को अभी एक महीने पहले बोल रहा था कि मम्मी मेरे से कोई लड़की बात नहीं करती है, इस गधे का दिमाग तो यही बात में लगा रहता है कि इससे लड़की बात नहीं करती है, इसका मार्क्स कहां से आएंगे इसके? क्या पापा ने थड़ाक थड़ाक दिया घुमा के, और आई वॉज सो शैटर्ड, लाइक मम्मी तुम ऐसे भी हो, तुम ऐसा कर सकती हो मेरे साथ? मेरे घर में ये सास, मतलब वो कहते हैं ना एकदम टिपिकल सास बहु वाले चुगली उगली वाली बातें, और मेरे को ऐसा फील हो रहा मम्मी तुम भी चुगली करती हो। मुझे कहीं ना कहीं उस वक्त लगा जरूर था कि काश मैं मम्मी को ये बात बताता ही नहीं तो आज मैं बच जाता, दो चार अब ठुकता तो रोज ही रहता था लेकिन दो चार ठुकाई बच जाए तो अच्छी बात है ना।